इससे पहले देर हो जाए मुझे दे दो। मैंने सुना है तुम लोमड़िया बहुत भावुक होती हो, सही कहा ना? तो क्यों ना ये आजमाया जाए। इसे जाने दो। तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। क्या तुम्हारे पास निदान है? रुक जाओ। ठीक है, मैं देता हूं। तुम आ गए। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, चलो। अब समय आ गया है। इसे स्वर्ग या नर्क भेजने का। तुम ईश्वर हो, तुम्हें इसकी ताकत का एहसास है। आखिरकार दो राक्षस लोमड़ियां पकड़ी गई। हजारों सालों से तुम्हें पकड़ना एकमात्र मेरा लक्ष्य था। बधाई हो मास्टर, आपको जो चाहिए था मिल गया। मेरा नाम यूली सरेन है। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। मास्टर, 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 आप ठीक तो हैं ना मास्टर? मैं ठीक हूं। उस राक्षस लोमड़ी ने मुझे यहां फेंका और वो भाग गई। वो इस बार फिर से भाग गई। उसे फिर से ढूंढना मुश्किल होगा।
एना, मुझे पता है कि तुम्हारे रहते मैं नहीं मर सकता। इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हो, ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए था। मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति व्यर्थ की। एना, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। घुटनों पर बैठो। एना, घुटनों पर बैठो। ठीक है। ह्यूली सनरेन बहुत खतरनाक आदमी है। उसने किंकोई को पकड़ लिया है। वो वहाँ का नेतृत्व करना चाहता है। उसने तुम्हारे 10,000 साल ले लिए। तुम किसी को बता भी नहीं सकते। तुम्हारी सालों की मेहनत व्यर्थ चली गई। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर वो बीच में नहीं आता तो मैं और 10 को मार देता। तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी जान जोखिम में क्यों आ गई? वो तो बस एक घटना थी ना। अगर लैंगबिंग बीच में नहीं आता तो मेरा ध्यान नहीं भटकता। ऐसा है क्या? उसका चेहरा बस मासूम था, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उसकी बहुत सारी तस्वीरें बन गई। फिर मुझे शक हुआ और मेरा गंदा दिमाग चला। तुम्हारे दिमाग में उसकी तस्वीर बन गई? ये एक अजीब एहसास है। बहुत सारी तस्वीरें मेरे दिमाग में हैं। ये कुछ जागने जैसा है। एना, क्या हुआ? मुझे इससे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। नादान बच्चे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब आ रही है। महाराज, दादी माँ, कहाँ थे अब तक तुम? घूमने गया था। झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलो? यून, दादी माँ, यून को पहले दवाई की जरूरत है। सुनो यून, तुम्हें गंभीर बीमारी है। तुम जब बाहर जाते हो तो सिपाहियों को लेकर जाया करो। दादी माँ को चिंता होती है। मुझसे गलती हो गई। घर देर से आया। अब आप आराम कर लीजिए, काफी रात हो गई है। मुझे पता है तुम्हें परवाह नहीं है। कल ही मैं तुम्हारे लिए सिपाही तैनात कर दूंगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हमारा परिवार सालों तक अकेला रहा है, सालों तक बीमारी का सामना किया है। 25 सालों तक हमारे खानदान में कोई मर्द नहीं था। 10 दशक पहले मैंने अपने पति को खुद से दूर कर दिया था और मैंने अपना बेटा खो दिया। और अब तुम शादी करने और वारिस देने से मना कर रहे हो। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो जल्दी हमारे परिवार का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। दादी माँ, देखिए आप परेशान मत होइए। जीवन बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है, कोशिश करते रहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इस परेशानी से सुरक्षित रहो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, पर क्या बेटा? मेरी बस एक इच्छा है, कल की प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। जो भी मुझसे जीतेगा वही मेरा सिपाही बनेगा। दादी माँ, यून सही कह रहा है। अगर सिपाहियों से भी खतरा हुआ तो क्या करेंगे? पता नहीं फिर रक्षा कौन करेगा। ठीक है बेटा।
इस बार तुम वहाँ कर्ज चुकाने जाओगे। मैं तुम्हें 3 चीजें बताती हूँ। पहली, किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी, जेड पेंडेंट क्विनकुई का खजाना है जो तुम्हें राक्षसों से बचाएगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। तीसरा, कभी भी इंसानियत की तरफ नहीं जाना। एना, आखिरकार तुम स्वर्ग की देवी हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो अनाड़ी है। ये सब तासे हैं। ये बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, अब ज्यादा मजे मत लो, अपने रास्ते जाओ। क्या तुम? मैं याओ गुआंग, मास्टर ने मुझे प्यार से बात करने को कहा है। ओह, एना ने इसे मेरे पीछे क्यों लगाया? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, एना ने तुम्हें भेजा है, अच्छा है। भाई, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये यंत्र काम भी करेगा। मास्टर ने हमें एक बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए कहा था, पर यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ ठीक है जी, ठीक है। हाँ चलो। रुको, ये वाला मुझे दो, इसे यही रख दो। अरे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरे भाई से गलती हो गई, इसे छोड़ दीजिए, इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। जाने चलो। शुक्रिया। ये नहीं होना चाहिए था भाई, लेकिन वो आदमी तो क्या तुम भी मुझसे प्यार से बात करना चाहते हो? ये तुम पर निर्भर है, लेकिन जो भी तुम करोगे वो मैं मास्टर को बताऊंगी। तुम्हारी आंखें बंद थोड़ी ना है, सब कुछ एना को बताने की जरूरत नहीं। लगता है इस बार सही आदमी हमें मिल गया। चलो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पकड़ो उसे। अरे चलो आ जाओ। सुनो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हो? जल्दी आ जाओ। रुक जाओ। अरे सामने से हटो। रुक जाओ। हटो ना। अरे हटो। रुको। चलो। कहाँ गई? रुक जाओ। जल्दी करो। पकड़ो उसे। ये तो वाकई काम की चीज है। चलो। रुक जाओ। सामने से हट जाओ, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। मुझे लगता है कि तुम लोग राक्षस हो। अच्छा मुकाबला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है? बहुत अच्छे। क्या बात? ओह मजा आ गया। बहुत खूब। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है? क्या मुकाबला है? तुम बहुत सुंदर हो। मजा आ गया। अगर कोई मुझे हरा नहीं पाएगा तो किसी को मुझसे परेशानी नहीं होगी। ये सब क्या है? अच्छा मुकाबला है। युन परिवार सिपाही का चयन कर रहा है, युन की जीत सफल हो जाएगी। तुम सिपाही बनते हो तो शक्तियाँ मिल जाएंगी। जीतने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, लड़ने की शक्ति कहाँ से आएगी? वैसे मैं एक ईश्वर का रूप हूँ, सिपाही कैसे बन सकता हूँ? बहुत अच्छा लगा।
या तो तुम लड़ो और अच्छा खाना खाओ, या तो चुपचाप वापस चले जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। ज्यादा सोचो मत। एक बात जान लो, मैं अपनी शक्तियों के लिए लड़ूंगा। कमाल कर दिया। और उसका इससे लेना देना नहीं। बहाने मत बनाओ, लड़ोगे या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, आप सच में बहुत कुशल हैं। आपको देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। कौन हो तुम, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम बाईचैन है, मैं युद्ध कला सीखने आया हूँ। ये भी हारे का लगता है। बहुत बढ़िया, इसे भी हरा दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह, कमाल कर दिया। बहुत क्या बात है, इसकी तलवार पासी कमाल की है। लगता है मुझे लोमड़ी की शक्तियां मिल सकती हैं। इसे बायून के सिपाही के तौर पर तैनात कर दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लड़े, भरोसा नहीं हो, बहुत बेहतरीन, तुमने मुझे अपने कद दिखाया, जीत गए, प्यार करके हमें छोड़ दीजिए, मेरा गला टूट रहा है, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। युनगोंगजी, आराम कीजिए, मैं आपका सिपाही बन चुका हूं, आपको सुरक्षित रखूंगा। तीन बातें याद रखना। पहली, मुझसे तीन कदम दूर रहना। ठीक है। दूसरी, यहां पे रह के कभी मदिरा पान मत करना। ठीक है, मैं बाहर जाकर पीऊंगा। तीसरी, मेरे कमरे से दूर रहना। कमरे से दूर रहना। जल्दी करो। अरे बोलो ना। मास्टर जी, इस बार हम पहाड़ों के पार गए थे, पर बोगीमैन वहां भी नहीं मिला। कृपया करके हमें सजा दीजिए। क्या तुम लोगों को पीटा गया? हाँ, वो एक इंसान ने। आप हमें सजा दीजिए। हाँ, किसी काम के नहीं हो, अब जाओ यहां से। ठीक है मास्टर जी। रुको, यून परिवार में क्या चल रहा है? यून परिवार में युद्ध प्रतियोगिता में एक सिपाही को चुना गया है, अब वो वहीं पर रहेगा। हाँ, वो बहुत ही ताकतवर इंसान है, पर अंत में हमें किसी ने पीटा। कौन है वो? वो तो बस एक मामूली मामूली आदमी है। हाँ, रुको,
जाओ। अरे रुक भी जाओ। युनगोंग जी, मुझे मुर्गा पकड़ने दीजिए, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। युनगोंग जी, मैं पहाड़ों पर इस मुर्गे को पकड़ने गया था। ये मुर्गा सिर्फ मुर्गा नहीं है, ये मुर्गा पहाड़ का राजा है। कैसा लगा? दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। किस तरह का आदमी है? अगर उसे दादी ने रोका नहीं होता तो वो मुझे बाहर ही फेंक देता। खैर, ये अच्छा है या बुरा पता नहीं। पीना बंद करो अब। यून को समझना बहुत मुश्किल है, उसे तो अच्छा खाना भी पसंद नहीं है। उसकी नजरों में आने के लिए कुछ तो खास करना होगा। क्या खास करना होगा? मैंने आने से मना किया था ना। युनगोंग जी, सर्दियां आ गई हैं। मैंने ये आपके लिए बनाया है, इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है ना? ये पसंद आया? प्यारा है ना ये? आप पर अच्छा लग रहा है। समझ गया। मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर आए हो तो अपने काम से काम रखो, ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से। युनगोंग जी, तीन मुक्के भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुमने मेरे बाल क्यों उखाड़े? देखो बहन, ऐसा है कि तुम पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगता है। मैं मास्टर को बताने जा रही हूँ कि तुमने मुझे परेशान किया। नहीं 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 नहीं, बैठो बहन, बैठो, बैठ जाओ। देखो मेरी बहन, मुझे पागल मत समझो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाऊंगा जिससे तुम्हारे बाल जल्दी ही बड़े और चमकदार हो जाएंगे। उसे मेरे अच्छे बाल भी नहीं चाहिए, आखिर कौन है वो? सही कह रही, वो इंसान ही नहीं है। तो तुम कुछ ढूंढने में मेरी मदद करोगी? उसे कैसे मनाऊं? जब लोगों के मन में कोई इच्छा नहीं होती है तो उनका चरित्र स्वाभाविक होता है, पर पैसा और सुंदरता को बुलाया नहीं जा सकता। शरीर चीते की तरह होता है और सुंदरता उसकी कमजोरी। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सही कहा तुमने। बहुत सालों से परियों से पूछा पर कभी कारण नहीं पता चला। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर कम से कम हजारों साल पुराना है ये। पर मैं कोशिश कर सकता हूं। यून सुनो, मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो ना, कुछ पीना चाहो ना मेरे पास, आओ हम तुम्हारे साथ खेलने आए। दूर आ जाओ। सच बताओ तुम कौन हो? युनगोंग जी, मैं तो साधारण सा युद्ध का छात्र हूँ, आपको तो पता है ना, मैं आपका सिपाही हूँ। पैसों के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। ध्यान से, पर एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने तो मुझे डरा दिया था। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, और इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर से दिल भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं बस बता नहीं सकता। दरअसल मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ, किसी ने मुझे गोद लिया, उससे मैंने युद्ध कला सीखी, तो जाहिर है मुझे थोड़ी कला आ गई, और फिर मैं आपके घर आ गया। बस मुझे खाना चाहिए और आपके साथ रहना है बस। तो ऐसा है कि
मैं सही इंसान के साथ हूँ और वो इंसान आप हैं। ये लड़का झूठ बोल रहा है, पर युद्ध कला में माहिर है, ये मेरे काम आ सकता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो? वो आ रहा है। क्या ये मिलेनियम जिनसंग है? यून ऐसा मत करो। डरो मत, तुम्हें जाने देता हूं। भाई चैन, तुमने सब खराब कर दिया। जिनसिंग कला के लिए हजारों साल लगते हैं और इसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगती है, तो ये था बड़ा काम। ओह, मैं जानता हूँ, इसे बीमारी का इलाज करते हैं। जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी इसे पकड़ने के लिए। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है कि इसे पकड़ना मुश्किल है ना, तो आप पहली बार तो आए नहीं होंगे। बातें मत बदलो, तुम्हारे जैसा इंसान मेरे साथ नहीं रह सकता। अरे मत जाइए, रुक जाइए, मेरी वजह से आपने जिनसिंग को खो दिया, मैं आपको कुछ बेहतर दूंगा। सुनिए, फूलों का ऑर्किड पता है? ये हुई ना बात, वो जिनसिंग से भी बेहतर है, आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। फूलों का ऑर्किड एक भ्रम है, उसे किसी ने नहीं देखा। आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आप बताइए कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, मुझे बताइए और मैं आपकी मदद करूंगा। बेवकूफ मत बनो, तुम धोखेबाज हो। रुकिए, मैं सच बोल रहा था, मुझे मौका दीजिए। यून गोंगजी, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। आपको शहर से बाहर जाना होगा, पूर्व की तरफ जाइए 100 किलोमीटर दूर, कैंग्यान पर्वतों के पार। वहाँ पर एक खड़ी चट्टान है, चोटी के पार करते ही एक आदमी रहता है, नाम क्यू शेंगो है। वो औषधियों का महाज्ञानी है, उसे ऑर्किड के भूतों के बारे में पता है। वो सन की है, वो क्या करता है इसका पता लगाना मुश्किल है। जब मैंने ऑर्किड के बारे में पूछा तो पता चला कि वो ज्ञान से प्राप्त होता है। ऐसा लग रहा है कि वो चोटी नीचे है। क्या बात है, बस कूदना ही तो है। नीचे बहुत कोहरा है, मुझे नहीं पता, क्या पता तुम मुझे चोट पहुंचा दो। ऑर्किड के फूलों का मिलना दुर्लभ है, अगर चाहिए तो आपको कुछ खास करना होगा। साथ में कूदते हैं, अगर मुझे चोट लगी तो मैं ही अपना इलाज करा लूंगा। चलिए भी, खजाना खतरे में है, नीचे कूदते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? योन, हमारे परिवार में लोग ज्यादा नहीं जीते, शरीर में एक अजीब बीमारी हो जाती है, ये हमारे पूर्वजों के खून में है और अब सब कुछ अकेले तुम पर निर्भर करता है, और तुम किसी भी चीज में कुशल नहीं हो। क्या वाकई में तुम चाहते हो कि हम मर जाएं? दादी माँ, आप घबराइए मत, मैं जादुई गोली ढूंढ लूंगा, अभी मैं शिकार पे हूँ, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी और मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूंगा। चुप करो, तुम अपने पूर्वजों को नाराज कर रहे हो, बेहतर होगा कि तुम्हें संघर्ष ना करवा कर तुम्हें अकेला छोड़ दूं, और एक दिन तुम भी इस अनजान बीमारी से मर जाओ। जाओ। यून, यून, क्या हुआ? तुम लोग कौन हो
और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम क्यू सीनियर हो? यून, ऑर्किड का फूल। मशीन, इन दो लड़कों ने हमारी सीमा को तोड़ा है और तुम्हें परेशान किया। कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्यारी पत्नी को परेशान करने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। युन, तुम इसे संभालो। तुम कहां जा रहे हो? तुम संभालो, मैं अभी आता हूं। तो यही है क्यों सीनियर? ये नहीं क्यों सीनियर? तुम मेरी बीवी को परेशान नहीं कर सकते। भाई चैन, क्या किया तुमने? क्यों सीनियर, आपको ये जगह बनाने में बहुत तकलीफ हुई है। ध्यान खींचने के लिए राक्षसों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से आपने उन्हें जाल में फंसाया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो राक्षसों को अपने जाल में फंसाता है वो खुद भी फंसता है। किस बारे में बात कर रहे हो? मैं जैसे ही अंदर आया मुझे कुछ अलग एहसास हुआ। मुझे सांस लेने का एहसास नहीं हो रहा था। जब भी आप लोगों पर नाराज हुए तो मुझे गुस्सा आया। अगर राक्षस होता तो मुझे एहसास हो जाता, पर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब आप ना राक्षस है ना इंसान। तुम्हारी बातें पूरी तरह बकवास हैं। मैं ना ही राक्षस हूं और ना ही इंसान, तो फिर मैं क्या हूं? जरा अंदर झांक कर देखिए। सीनियर क्यों, ऑर्किड का फूल सिर्फ आपकी पत्नी के शरीर में नहीं है बल्कि इनकी आत्मा को भी दूर ले जा रहा है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा और ना ही आपको कोई रोक सकता है। इसमें सफलता मिलेगी। पर एक बात, जब आप ऑर्किड के फूलों को सुखाते हैं तो शरीर आत्मा से अलग हो जाता है। लेकिन सीनियर क्यों, ये सब व्यर्थ है। आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी और बाहर नहीं आ पाएगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मेरी पत्नी, सीनियर क्यों, मुझे माफ कीजिएगा। मेरी पत्नी, मेरी जान, मुझे छोड़कर मत जाना। पर ऑर्किड के फूल ने मुझे इतने लंबे समय तक यहाँ जीवित रखा। अगर मैं आपके साथ ना रह पाऊं तो आखिर इस अमरता का क्या मतलब है? यही वो पल है जिन्हें मैं जीना चाहती हूं। जब मैं जिंदा थी और जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक हमेशा आप मेरे साथ थे पति के रूप में। अब हम अलग हैं लेकिन हम फिर मिलेंगे। हमेशा साथ रहेंगे और अगर मर भी गए तब भी। ये दुनिया का एक अद्भुत एहसास है। आप दोनों आगे जाइए। इस जीवन के बाद आप चाहे कहीं भी हो, हम फिर से मिलेंगे।
जानता हूं यह पहला नियम है। अब यह करने की जरूरत नहीं। उस फूल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? कोई बात नहीं, मैंने वादा किया था तो मुझे करना ही था। ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको उसका करना क्या है। यून परिवार के पुरुषों को एक अनजान बीमारी है। कोई भी 25 साल से ज्यादा नहीं जीता। हमारी पीढ़ी अमृत खोज रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। एक मिनट, पीढ़ियों से अनजान बीमारी? इस फूल से मेरी उम्मीद जुड़ी है। तुमने मेरी मदद की, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बदले तुम्हें बताओ क्या चाहिए, वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसके बदले? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। अगर इसके लिए अच्छे पैसे नहीं मांगे तो मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इस बारे में सोचना होगा। मुझे क्या मिल सकता है? मुझे पता है, एक वादा एक खजाने से ज्यादा अच्छा है। तो आप मुझसे एक वादा कीजिए। वो क्या? मैं चाहता हूं कि आप जिए। पीढ़ियों से एक अनजान बीमारी। बाई चैन। आइए मिस एंगे। मैं यून के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। उनकी सुरक्षा के लिए आपका शुक्रिया। क्या ये आप खुद लेकर जा रही हैं? जी हाँ, अपने यून के लिए सब कुछ मुझे ही करना होता है। एक बात तो माननी पड़ेगी मिस एंगे, कि आप उनका ध्यान रखती हैं। वो तो सिर्फ यून यू है जो असल में काफी ठंडे मिजाज के हैं। ठंडे मिजाज के हैं पर मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं। ये सब करने के पीछे उनकी अपनी वजह है। आप क्या सोचती हैं? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? ये लो। शक्तियां वापस आने की संभावना कम हो गई है। मैं कैसे शांति से खा सकता हूँ? क्या तुमने ऑर्किड का फूल उसे नहीं दिया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्किड का फूल भी उन्हें बचा नहीं सकता। क्या तुम ठीक हो? ये श्राप था। क्या यूनियो, आप बीमार नहीं हैं। ये स्वर का श्राप है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऑर्किड का फूल हर बीमारी को ठीक कर सकता है पर श्राप पर इसका कोई असर नहीं होता। पर ऐसा नहीं कि ये बेअसर है, ये काम करता है। ये आपको नहीं बचाएगा पर कम से कम श्राप का पता तो चल गया। मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूं? मुझे नहीं पता लेकिन इसका स्वर्ग से रिश्ता है। समय के साथ दाग लाल से काला हो जाएगा। जब ये पूरा काला हो जाएगा तो जिन्हें श्राप है वो जरूर मरते हैं। तुम्हें पता इससे कैसे बच सकते हैं?
जीवन भर के संघर्ष के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेकार हो गया। यून, दूसरे लेख का तीसरा नियम भी चला गया। तुम मौत से डरते हो? हाँ, अगर मैं कल सुबह मर गया तो फिर मैं पूरी रात खूब मौज करूंगा। कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ, हमारी सोच बहुत मिलती है। जैसा कि क्यू शेंगमो की बीवी ने कहा था, अगर आप जैसा जीना चाहते हैं नहीं जी पाते हैं तो फिर हमेशा जीने का क्या फायदा है। या तो मैं हर दिन खुशी से बिता सकता हूँ और उसके बाद एक दिन मैं मर जाऊंगा। चिन, तुम्हें एक बात पता है, इस लापरवाही की वजह से तुम्हें कितनी चोट पहुंच सकती है? मुझे कौन चोट पहुंचाएगा? तुम जानते हो हमारे परिवार के लिए सिपाही क्यों है? क्यों? ये तो बस लोगों के दिखावे के लिए है। असल में हम ढूंढते हैं कि लोगों में सबसे ज्यादा मजबूत और स्वस्थ कौन है। मेरे जन्म के दिन ही मेरा भाग्य तय हो गया था। क्या आप इन बातों को मानते हैं? ये सब बकवास है। मैं भी नहीं मानता। मुझे पता है ये सब आपकी दादी का किया है। वो पोते से प्यार करती है तो उन्होंने कुछ बातों से आपको बुद्धू बनाया। रुकिए, कहीं आप इसलिए तो बात नहीं कर रहे क्योंकि आप चिंतित हैं? आपको डर है कि कहीं श्राप अपना काम ना कर दे, इसलिए आपने मुझ जैसे मासूम को शामिल किया। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। क्या आप अभी मुझसे नफरत करते हैं? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमें सच पता चल गया है। मैं सच कह रहा हूं, आपको क्या लगता है? तो ठीक है, एक बार फिर से आज के लिए जीते हैं। कल क्या होगा इसकी परवाह किए बगैर। चलिए यून, एक और पीते हैं। ये अच्छी है। यून यू, चांदनी रात है, क्यों ना इस रात में तलवारबाजी हो जाए। लोमड़ी, तुम मुझे फिर से दिख गई। मुझे उस जादू का अभ्यास करना ही होगा, इससे तुम कभी दूर नहीं जा पाओगी। यून्यू, मुझे लगा नहीं था कि हमारी तलवारबाजी इतनी अच्छी होगी। बहुत मजा आया सच में। अब कैसे पी सकते हैं, अब बहुत छोटे हैं।
दादी माँ, आओ आओ और मिस्टर यूली से मिलो। यून गोंजी, बात सुनिए। मैं और यून एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार इन्होंने मेरी लोमड़ी से जान बचाई थी। हम बस एक बार मिले, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। मास्टर, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा भाग्य बताने के लिए आए हैं। आप इसके बारे में बताइए मास्टर। चिंता मत करो यून, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जांच करता हूं। कुछ अच्छा नहीं है यून, बीमार नहीं है, ये पिछले जन्म का श्राप है। ये बहुत ही मुश्किल है। पर ये सब कैसे हो गया? मास्टर, आपके पास क्या कोई रास्ता है? सुनो यून, वो रात याद है जब तुमने तीन पूछ वाली लोमड़ी को देखा था? याद है भी तो क्या हुआ? वो लोमड़ी हजारों सालों से अमर है। अगर हम उसका दिल इस्तेमाल करें तो यून की जिंदगी बच सकती है। अगर आपको पता है कि ये सब कैसे होगा तो आप उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? तुम कौन हो? ये हमारा सिपाही है बाई चैन। आप जल्दी से जल्दी उस लोमड़ी को पकड़िए ताकि मेरे पोते की जान बचे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप चिंता ना करें, सीधे बात के लिए माफी चाहता हूं। कल रात मैंने पता लगाया तो मुझे तीन पूंछ वाली लोमड़ी अचानक दिखाई दी। वो आपके घर से ही आ रही है, पर हम उसका पीछा नहीं कर सके। और ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आप ही बताइए, हाल ही में कोई अनजान आपके घर आया था क्या? नहीं, भाईचैन के अलावा कोई नहीं है। पर इस बात को भी 10 महीने हो चुके हैं। सब ध्यान दीजिए, मैं अभ्यास के लिए वापस जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कुछ ही दिनों में लोमड़ी जहाँ भी छुपी होगी वो वापस आएगी। सब ठीक हो जाएगा ना? यून, तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? यून, ये बताओ कि तुम सिपाही के बारे में क्या जानते हो? ये बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे ये सिपाही कुछ उस लोमड़ी के जैसा ही दिखाई दे रहा है, उस बाईचैन की तरह। मास्टर जी, अगर आपको उस सिपाही पे शक है तो आप साबित करके दिखाइए। ये कागज मदिरा में मिला दीजिए और वो मदिरा सिपाही को पिला दीजिए। अगर वो सिपाही बाईचैन है तो उसका असली रंग सबके सामने आ जाएगा, और अगर नहीं है तो इसका इंसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चिंता मत कीजिए आप,
अगर उस सिपाही का असली रंग बाहर आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप मेरे बनाए इस हथियार से उस पर काबू पा सकते हैं, ये आपको सुरक्षित रखेगा। अंदर आ जाओ। योना, यहाँ क्या कर रहे हैं? भाईचिन, तुम यहाँ कैसे? बस मैं ऐसे ही आया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? वो अच्छा आदमी नहीं था। है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अच्छा, तो आप मदिरा पीने जा रहे थे, वो भी अकेले अकेले? रुक जाओ। हाँ? क्या हो गया? बेहतर होगा कि आज ना पिए। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। चेन, रुक जाओ। मदिरा बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ कि आपको अकेले पीनी थी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर फूल लगे हैं? मुझे पता है आप पीना चाहते हैं, सही कहा ना? मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए यह बेहोश हो गया। अभी कैसे हो तुम? यून, आपको सब पता चल गया ना? मैं कहाँ हूं? मेरे कमरे में। लेकिन आपका तीसरा नियम? महाराज यून, यूली महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे जाने दो, मैं वापस आऊंगा। यून, क्या वो पकड़ा गया? किसकी बात कर रहे हैं आप? उस सिपाही के बारे में। वो एक साधारण मनुष्य है और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। देखो यून, मेरी शक्ति कभी गलत नहीं होती, यह आपके परिवार की सुरक्षा के बारे में है। उस लोमड़ी से बेवकूफ मत बनो। बस करो। मैं फिर से कह रहा हूं, वो बस एक साधारण मनुष्य है, और अगर आप फिर से इस घर में आना चाहते हैं तो इस बात को भूल जाइए। ऐसा लग रहा है कि यून परिवार और लोमड़ी का दुर्भाग्य है। अगर उस तीन पूंछ वाली लोमड़ी को पकड़ना है तो
तो मुझे कुछ अलग सोचना होगा। एना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें यहीं पर रहना होगा, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो। इसका क्या मतलब है ना? तुम नहीं जानते कि क्या चल रहा है। अपनी शक्तियाँ पाने के लिए तुमने युन का सिपाही बनने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकती, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। अब तुम्हें खुद समझना होगा। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन तुम इससे मरोगे नहीं। अगर तुम चाहो तो इसे एक आशीर्वाद समझ सकते हो। मेरा काम तो खत्म हो गया, पर है ना, यून श्राप से जूझ रहा है। क्या तुम्हें उसका हल पता है? ये मामला खत्म हो गया है। यून की वजह से तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया। उसने तुम्हें दुख पहुंचाया। लोमड़ियां अलग होती हैं, तुम उनके बारे में चिंता मत करो। एना, यून ऐसा इंसान नहीं है। एना, हम बस एक बार मिले हैं, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। एना, मेरी मदद करो। आर्मगेडन श्राप, इस श्राप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम इसे नहीं सुलझा सकते हो, इस बारे में और मत सोचो। देखो, तुम चिंता मत करो और बस आराम करो, सही समय का इंतजार करो। तुम्हारे अमर होने के बावजूद है ना, इसका कोई रास्ता नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब कहाँ जा रहे हो तुम? इस मामले में उसका आखिरी दिन नजदीक है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाईचैन, बाईचैन, ये तुम किसके लिए कर रहे हो? मुझे लगा ही था कि ऐसा होगा। इस मामले में यून हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। यून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज त्योहार का दिन है, दादी ने कहा है कि मैं आपके साथ बाहर जाऊं। वाह, कितना अच्छा है, बहुत अच्छे। चलिए उस तरफ चलते हैं। आइए आइए आइए। अरे यून, आप यहाँ पर, बताइए क्या चाहिए? रुकिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। ये लीजिए, ये आपके लिए। शुक्रिया। हुहाई नदी से दूर हो गई है, रिक्त स्थान को भरने के लिए जोड़ी बनाई है, ये तो काफी दुर्लभ है। यून, आप काफी पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने सही अंदाजा लगाया। इसमें चांद का चेहरा सही नहीं दिख रहा है। युवा लड़का लड़की पेड़ के पास है, प्यार ही इस दुनिया में सबसे अच्छा है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं? आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और वैसे भी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। यून सुनो, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरे दिल में तुम ही हो, क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है? मैंने हमेशा तुम्हें बहन की तरह माना है। यून महाराज, आप उसके पास जल्दी से जाइए। सुनिए, आप मेरे साथ आइए। Yeah.
क्या हो गया आपको? आप यहाँ अकेले में रो रही हैं? श्रीमान यूली, मिस अंगा, क्या आप जानती हैं कि यून आपसे बार बार इतना दूर क्यों भागता है? उनकी अपनी परेशानियां हैं। बिल्कुल नहीं, यून उस राक्षस लोमड़ी से आकर्षित हो गया है। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द मारा जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बाई चैन के अलावा और कौन हो सकता है? यून को बचाने के लिए बाई चैन अपना बलिदान देगा। उसका भाग्य तो अनजान है, वो लोमड़ी कैसे हो सकता है? इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये तुम दादी को दे देना, फिर सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसे पहन लो, फिर तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। यून महाराज, आपके लिए कुछ और कर सकता हूं? आपने उसे जाने क्यों दिया? मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। यून महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए। और कितना छुपाओगे खुद को? माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपके अपने कारण हैं और मेरे भी। यहां मेरी जरूरत है। तुम फिर से वही बात कर रहे हो, पर यह नामुमकिन है। जरा सोचिए, वो बहुत खूबसूरत है, वो आपसे प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर आप दोनों साथ हो जाए तो ये भी एक समाधान होगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। आपको कौन पसंद है? मैं आपकी मदद करूंगा। क्या बात है? बहुत खूब। अरे वो देखो, वो कितना सुंदर है ना? कमाल का है। आ जाओ। अच्छा लग रहा है। आओ, मजा आ रहा है। कमाल का कर रहे हो तुम। देखो। भाई चैन, तुम इस बार वापस आए हो, क्या थोड़े समय के बाद जाओगे? बस मेरे जन्मदिन तक रुक जाओ। ठीक है, अब आपने कहा है तो मैं रुक जाता हूँ। और इस बार हाँ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। यूनियो, ये लीजिए, ये हम लोमड़ियों का खजाना है। इससे हम स्वर्ग से धरती पर आते हैं। ये मेरी तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, वो यूली तो मुझे ढूंढ ही लेगा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। ये त्योहार मनाना बहुत दुर्लभ है, तो आज के दिन हमें आनंद लेना चाहिए। हे यूनियो, ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ प्रार्थना स्वीकार की जाती है, हमें कोशिश करनी चाहिए। इस बार आपके लिए प्रार्थना है कि आपकी उम्र लंबी हो। हाँ। महाराज यून, भाई चैन, आप वापस आ गए। महाराज यून, दादी जी आपको याद कर रही हैं, उन्होंने बुलाया है आपको। हाँ, तुम मेरे साथ चलो, उन्हें पता है तुम आ गए हो, दादी तुम्हें देख के खुश होंगी। ठीक है। Yeah.
दादी माँ, मुझे बचाने में इसे चोट लग गई, इसका वापस बाजन, ठीक हो ना? इसने बुराई से बचाया, तुमने इसे मारा क्यों? मुझे जाने दीजिए, वरना आप भी मारे जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मुझे जाने दीजिए। चैन, हमारे परिवार के पूर्वजों ने तुम्हें बचाकर नई जिंदगी दी और तुमने उसका ये सिला दिया, और अब तुम मेरे पोते के पीछे पड़े हो। हमारा परिवार तुम्हारा दुश्मन है। युन, दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर तुम इसे मार डालोगे तो अपने परिवार को श्राप से मुक्त कर दोगे, जो कि पीढ़ियों से लगा है। क्या सोच रहे हो? मार डालो इसे। योनियो, मेरी वजह से सब शुरू हुआ। मार दीजिए। मार डालो इसे। यून, मार दो इसे। तुमने मेरी जान बचाई, हिसाब बराबर हो गया। तुम
जा सकते हो। यून यून कहाँ ना जाओ। यून यून जाओ यहाँ से। तुम ऐसे इस घर से नहीं जा सकते। सिपाहियों रुक जाओ, पकड़ लो इसे और मार डालो इसे। दादी मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, संभाल कर। तुम सच में बेवकूफ हो, इसलिए हमेशा इंसानों से धोखा खाते रहते हो। एना, तुमने मुझसे हमेशा झूठ कहा। यून परिवार की छोटी जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूँ, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? भाई चैन, तुम बचपन से ही बहुत प्यारे रहे हो। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देती तो वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करते। सही कहा, सिर्फ मैं ही यून को बचा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें बस बात मानने की जरूरत है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर मैं नहीं बचा सकता तो मेरे जीने का क्या मतलब? अब तुम क्या करने जा रहे हो? मैं यून का कर्जदार हूँ, मुझे वापस जाकर ये कर्ज चुकाना होगा। तुम पागल हो गए हो? ऐना तुम मुझे नहीं रोक सकती। अगर तुम जबरदस्ती जाओगे तो जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होगी। एना!
दादी माँ, मैं आपका बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। बेहतर होगा अपनी ताकत बचाओ। एना का बनाया हुआ कवच तोड़ना आसान नहीं है। याओ, मेरी मदद करो। आज यून का 25वां जन्मदिन है। अगर मैं नहीं गया तो देर हो जाएगी। क्या तुम भी ना? इतनी मुश्किल से तुम्हें अमर होने का मौका मिला था, तुम अपनी चिंता क्यों नहीं करते हो? दयालु नहीं रहा तो अमरता किस काम की? मुझे यहाँ से निकालो, मैं भीख मांगता हूँ। मुझे यून की चिंता हो रही है। पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें यून की चिंता हो रही है? उसने यूली के साथ हाथ मिला लिया है। क्या? अंगे ने यून को तुम्हें पकड़ने के लिए, यूली की मदद के लिए मना लिया है। अगर तुम गलती से भी वहां गए तो मारे जाओगे। अंगे नहीं, यून खतरे में, यून खतरे में है। यून गोंजी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई है। यून गोंजी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं सब कुछ अच्छी तरह से जान गया हूं। दादी माँ, यून तुम बहुत चालाक हो। यून गोंजी, तुम जरा सोचो, वो लोमड़ी हम दोनों की दुश्मन है। आज तुम अगर हमारे साथ आ जाओ तो हम उस लोमड़ी को पकड़कर मार सकते हैं। तुम श्राप तोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाईचेन के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो नहीं आएगा। सच में? पर जितना मुझे पता है, उस लोमड़ी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। तुमने बहन की मदद से दादी को मार दिया, अब तुम चाहते हो कि बाईचेन को भी यहाँ बुला के मार दो। ये सब तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र है। उससे बदला लेने का सही तरीका है, मुझे ये करना ही होगा। लाल और काले में भ्रमित मत होना। आज मैं यहाँ आया हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो आ जाओ। राक्षस का श्राप हमारे ऊपर है। श्राप अब तुम पर खर्च हो रहा है। तुम जाल में फंस चुके हो। राक्षस, क्या तुम नहीं आओगे? अगर तुम नहीं आए तो मैं यून को मार डालूंगा। मुझे दोष मत देना अगर तुम बाहर नहीं आए तो। भाईचंद,
मुझे पता था आप इसे मारने जरूर आएंगे। ये तो सौभाग्य है, मैं इसे कैसे खो सकता हूँ। तुम्हारा ये नाटक मैं अभी खत्म करता हूं। यूनियो, ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है? ये लाइन तुम्हारी सीमा है, ये विधि यून के खून में है। अब यून चक्रव्यूह की आंख है, अगर तुम अपनी ताकत लगाओगे तो इससे यून को नुकसान होगा। बाहर जाने की कोशिश करोगे तो यून का दर्द बढ़ेगा। बचेन, हार स्वीकार करो। बचेन, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम अगर सच में उससे प्यार करते हो फिर भी ये तुम्हारे परिवार का कर्जदार है, पर ये कर्ज नहीं चुकाएगा। यूनियो, बैचेन, बेहतर होगा अपने आप को मुझे सौंप दो। समय बर्बाद मत करो, ईश्वर बनने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें से बचाने के लिए जिंदा रखूंगा। नहीं भाईचैन, क्या तुम श्राप से इसे ऐसे ही मरते देखना चाहते हो? भाईचैन नहीं, इसे मत देना। नहीं भाईचैन, मत देना इसे। मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, मैं तैयार हूं। नहीं भाईचैन, याओ अपना काम पूरा करने में असफल रही, आप मुझे सजा दीजिए। जो हुआ सो हुआ, ये उसके भाग्य में लिखा था। यूनियो, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं हजारों साल तक जिया, पर हजारों साल अनिश्चित स्थिति में था। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है यूनियो, ये आपकी जिंदगी की शुरुआत है। दुनिया में हर एक चीज का आप आनंद लेना, ये आपका अंत बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मृत्यु ही आपको श्राप से मुक्त कर सकती है। भाईचैन, 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 यूनियो, आपने वादा किया था नहीं कि आप लंबी जिंदगी जिएंगे। नहीं, यूनियो, आपको जिंदगी मुबारक हो। मैं हजारों साल इन शक्तियों के साथ जिया, अब ये सब आपकी है।
किया ऐसा? अंदरूनी विद्या है ये, ताकि इंसान इंसान रहे ईश्वर ना बने। तुमने गलती कर दी दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके। भाई जी,